गाड़ी अगर इंजन आवाज़ ज़्यादा कर रहा है और गाड़ी कम भाग रही है और माइलेज भी कम हो रहा है दिन ब दिन और गाड़ी में मज़ा नहीं आ रहा, बस गाड़ी में पिकअप ही नहीं है, तो दो चीज़ों से परहेज करें आप जो आपको बता रहा हूँ मैं। और ऐसा अगर नहीं करोगे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। हो सकता है आप रास्ते में फंस जाओ, हो सकता है कि आपको मदद मिल जाए, आप आसानी से निकल जाओ, सर्विस सेंटर पहुंच जाओ, हो सकता है आपको मदद ना भी मिले। छोटी सी बातें हैं दो, आप ध्यान में रखिए इसको और देखिए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये एक क्लच प्लेट है, ये नया है, और ये वाला पुराना है। तो इसमें ये बाजू, ये साइड तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब देखिए यहाँ पे कमाल। तो इसकी वजह जो है ना, ये वही है जो लोग अपनी क्लच पैडल के ऊपर पैर रेस्ट करके गाड़ी चलाते हैं, तो उसी का नतीजा ये है कि ये गेयरबॉक्स साइड है और ये फ्लाईव्हील साइड है। तो यहाँ से पूरी क्लच प्लेट ख़त्म हो जाएगी आपकी। याद रखिए हम लोग क्या करते हैं, जब गाड़ी शुरू कर देते हैं, क्लच दबाया, पहला गियर डाला और क्लच को छोड़ दिया, फिर मैंने क्लच दबाया, फिर दूसरा गियर डाला, फिर छोड़ दिया, फिर हमने तीसरा गियर डाला और फिर छोड़ दिया, फिर चौथा गियर डालने के लिए फिर क्लच दबाया, फिर छोड़ दिया। इसी तरह से प्रोसेस होता है और इसी तरह से होना चाहिए। ये पहली बात है कि जब आपका काम इसका हो जाए क्लच का पूरा, तो आप अपने पैर को हटाकर साइड में रख लें। और बाज लोग कुछ इस तरह से करते हैं कि बस गाड़ी का क्लच दबाया, चौथा गियर डाला, अब गाड़ी भाग रही 60-70 से और भाई साहब का पैर रखा हुआ है क्लच पे। इस तरह से रखने से वो प्रॉब्लम होता है कि क्लच प्लेट की फेसिंग एक साइड से खत्म हो जाती है और गाड़ी भागना कम कर देती है, जिसके वजह से डीजल पेट्रोल ज्यादा लगेगा, आपका पिकअप भी कम होगा और आपका क्लच प्लेट जाने से आप रास्ते में रुक सकते हो। तो इस चीज का ख्याल रखें और हमेशा अपनी गाड़ियों को मेंटेन रखा कीजिए।